हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम मेकर पर। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई असिस्टेंट की तरफ से 2023 की नई भर्ती आ गई है, जिसमें करीबन आपके पास 900 प्लस पोस्ट रहने वाली हैं। तो दोस्तों, इस पूरी भर्ती की क्या प्रक्रिया रहने वाली है, एज लिमिट क्या होने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सैलरी कितनी मिलेगी और टोटल पोस्ट ये कितनी निकलने वाली हैं, और इसमें आपका एग्जाम पैटर्न जो है ये क्या रहने वाला है, तो दोस्तों ये सभी सवालों के जवाब हम इसी वीडियो में आपको देने वाले हैं। अगर उससे पहले आपने वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो, जिससे कि आरबीआई की तरफ से या रेलवे एएलपी लोको पायलट या टीटीई टीसी या ग्रुप डी की तरफ से कोई भी नई अपडेट हो तो सबसे पहले आप लोगों को इन्फॉर्म किया जा सके। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो भर्ती है ये आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से निकाली गई है। और दोस्तों, इसके जो पोस्ट का नेम है ये असिस्टेंट है, और इसकी जो टोटल वैकेंसी है इसमें जो टोटल वैकेंसी 950 इसकी टोटल वैकेंसी रहने वाली है। और दोस्तों, इसके जो आवेदन होंगे ये आपके ऑनलाइन माध्यम से होंगे। और दोस्तों, यहाँ पर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हो। तो दोस्तों, इस पोस्ट पर जैसे ही आवेदन शुरू होंगे ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, आप यहां पर क्लिक करके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। और दोस्तों, यहां पर आप लोग देख सकते हो ऑल इंडिया कैंडिडेट, इस पोस्ट पर ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहां पर देखते हैं आपके सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, और दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हो यहां पर आपके दो एग्जाम रहने वाले हैं। पहला ये एग्जाम है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन और दूसरा है मेन एग्जामिनेशन। दोस्तों, ये दो आपके एग्जाम होंगे। और दोस्तों, यहां पे आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा ये भी हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं आपकी एज लिमिट की, कि दोस्तों यहां पर आपकी एज क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, यहां पर आप लोग देख सकते हो जिनकी उम्र 20 से 28 साल के बीच में है वो लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, यहां पर आप लोग देख सकते हो यहां पर एज रिलैक्सेशन की भी बात कही गई है। दोस्तों, यहां पर ओबीसी वालों को 3 साल की और एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों, यहां पर बात की जाए आपकी एप्लीकेशन फीस की, तो जो लोग जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हैं उनकी फीस 450 रुपए रखी गई है, जबकि एससी एसटी और पीडब्ल्यू वालों की फीस 50 रुपए रखी गई है। और दोस्तों, इसका पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करना होगा। और दोस्तों, यहां पर आपकी सैलरी की बात की जाए एज पर रूल्स, यहां पर दोस्तों आपको अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलेगी। अब दोस्तों, यहां पर बात करते हैं कि आपके जो आवेदन होंगे ये कब से कब तक होंगे। तो दोस्तों, आपके जो आवेदन होंगे ये मार्च 2023 से अप्रैल 2023 के बीच में कभी भी हो सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न की, कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिमिनरी एग्जाम पैटर्न। दोस्तों, आपका जो फर्स्ट एग्जाम होगा, दोस्तों यहां पर आपके फर्स्ट पेपर में इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, और यहां पर आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा। और यहां पर बात की जाए अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यहां पर 35 क्वेश्चन होंगे 35 नंबर के, जिसमें भी आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा। और यहां पर रीजनिंग एबिलिटी, यहां 35 क्वेश्चन होंगे 35 नंबर के, जिसमें भी आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा। दोस्तों, यहां पर आपके जो टोटल नंबर होंगे ये 100 नंबर के 100 क्वेश्चन होंगे, और यहां पर आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। और दोस्तों, आप बात करते हैं आपका जो सेकेंड एग्जाम होगा आरबीआई असिस्टेंट मेन एग्जाम पैटर्न। तो दोस्तों, आपका इंग्लिश का एग्जाम होगा, इसमें आपको 40 क्वेश्चंस 40 नंबर के और समय आपका 30 मिनट होगा। और दोस्तों, यहां पर टेस्ट जो रीजनिंग होगी इसमें 40 क्वेश्चंस 40 नंबर के, इसमें भी आपको समय 30 मिनट का मिलेगा। और दोस्तों, यहां पर आपका जो कंप्यूटर नॉलेज से आपको पेपर होगा, जिसमें भी 40 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के, जिसमें आपको समय 20 मिनट होगा। और दोस्तों, यहां पर आप लोग देख सकते हो टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, दोस्तों यहां पर आपको जनरल अवेयरनेस से भी क्वेश्चन मिलेंगे 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, समय 25 मिनट। टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के, 30 मिनट का समय। दोस्तों, टोटल आप लोगों को 200 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के, करीबन यहां पर 2 घंटा 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। दोस्तों, यहां पर आपको आरबीआई की तरफ से बहुत ही जल्द आवेदन देखने को मिलेंगे, इसलिए समय बहुत कम है, आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। और दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो कि रेलवे की तरफ से जो भर्ती निकल रही है टीटीई टीसी, इन सब के लिए आपका एग्जाम पैटर्न क्या होना चाहिए, सिलेबस आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो, जिससे कि आरबीआई की तरफ से रेलवे की तरफ से कोई भी नई अपडेट हो तो सबसे पहले आप लोगों को इन्फॉर्म किया जा सके।